डायबिटीज और पैरों की देखभाल। कभी सोचा है कि आपके ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आपके शुगर का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो आपके रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पैरों की नसें और आपके निचले छोरों तक रक्त के प्रवाह में बाधा आ सकती है। सामान्य जनसंख्या के मुकाबले डायबिटीज वाले लोगों को निचले अंग के एम्प्यूटेशन की आवश्यकता होने की संभावना 15 से 40 गुना अधिक होती है। हर 30 सेकंड में डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति दुनिया में कहीं न कहीं पैर खो देता है। डरावना है ना? यदि आपको और आपके प्रियजनों को हाई ब्लड शुगर है तो आपको इसके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। डायबिटीज और पैरों की देखभाल मॉड्यूल में आपका स्वागत है। चलिए मोहन के घर में थोड़ा झांकते हैं। मोहन की माँ एक डायबिटीज रोगी कुछ जलन के साथ पैरों में दर्द की शिकायत करती है। पैरों में कुछ फफोले भी दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षणों से पलड़ा न झाड़े, ये किसी गंभीर बात का संकेत हो सकता है। हाई ब्लड शुगर के कारण पैर की समस्याओं के चेतावनी संकेत क्या हैं? रोगी में शायद पैरों में जलन, झुनझुनी या पैरों में दर्द के संकेत दिख सकते हैं। वे गर्मी, ठंड या स्पर्श के प्रति संवेदना खो सकते हैं। पैरों के रंग या आकार में परिवर्तन हो सकता है। पैर की उंगलियों, पैरों और निचले पैरों पर बालों का झड़ना हो सकता है। आप पैर की उंगलियों के नाखूनों का मोटा और पीला होना, लाल धब्बे, छाले, घाव, अल्सर, संक्रमित कॉर्न्स या अंतर्वर्धित नाखून भी देख सकते हैं। अपने पैरों को जांचने के लिए अपने पैरों के नाखूनों से लेकर एड़ी तक रोजाना निरीक्षण करें और किसी भी असामान्यता का इलाज करें, जैसे कि सूखापन, घाव, कट्स और कैलुसिस। अगर कोई घाव बह रहा है, सूजन है या दर्द हो रहा है तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें। ये संक्रमित हो सकता है। नियमित रूप से पैर और पैर की उंगलियों की देखभाल करें। अपने शरीर के उस हिस्से को पैम्पर करें जिसे आप हल्के में लेते हैं। अपने पैरों को रोजाना हल्के साबुन और गर्म पानी से धोएं। डायबिटीज के कारण आपके पैरों को पानी के तापमान को महसूस करने में मुश्किल हो सकती है। अपने पैरों को अच्छी तरह सुखा लें। सूखी त्वचा को लोशन या तेल से मॉइस्चराइज करें। संक्रमण नम क्षेत्रों में विकसित होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने पैर की उंगलियों के बीच के क्षेत्र को अच्छी तरह से सुखा लें। नियमित रूप से नाखूनों की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नहाने या शावर के बाद पैर के नाखूनों को काटना सबसे अच्छा होता है, जब नाखून नरम हो जाते हैं। अंतर्वर्धित नाखूनों को रोकने में मदद करने के लिए घुमावदार फैशन के बजाय सीधे काटें। सावधान रहें कि नाखूनों को बहुत छोटा और कोनों में न काटें। किनारों को चिकना करने के लिए एक एमरी बोर्ड का उपयोग करें। यदि आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं या यदि आपके नाखून मोटे हैं या यदि आपको न्यूरोपैथी है या नर्व डैमेज है जिससे पैर की संवेदनशीलता प्रभावित हुई है, तो अपने पैर के अंगूठे के नाखूनों को पैर के डॉक्टर या किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मी द्वारा ट्रिम करवाएं। हर समय जूते पहनें ताकि पैरों की सुरक्षा हो। डायबिटीज वाले लोगों के लिए पैर चेहरे की तरह होने चाहिए। उनकी दैनिक जांच करें। विशेष रूप से आप या आपके प्रियजन के डायबिटीज की देखभाल के प्रति सतर्क रहें जब वे पैर या पैर के संक्रमण को ठीक कर रहे हों। वक्त रहते एहतियात आपके जीवन को जोखिम मुक्त बना सकता है। बीट डायबिटीज विन लाइफ USP द्वारा एक जन जागरूकता पहल।